हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ अर्चना और आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ कि किस तरह से पिंपल्स को आप जड़ से ख़त्म कर सकते हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, बहुत ही ज़्यादा पावरफुल ये होम रेमेडी है आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ, जो पिंपल्स ही नहीं बल्कि पिंपल्स के दाग धब्बे को भी जड़ से ख़त्म करेंगे और आपका स्किन बहुत ही ज़्यादा ग्लोइंग और जमा खूबसूरत दिखने लगेगा। साथ ही साथ आप अपनी उम्र से काफ़ी हद तक कम भी दिखेंगी। ये ऐसी होम रेमेडी जो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ, आपके स्किन को बहुत ही ज़्यादा टाइट बनाता है, एंटी एजिंग का काम करता है और आप बहुत ही यंग दिखने लगते हैं, अपनी उम्र से काफ़ी हद तक कम दिखने लगते हैं। आपके स्किन पर अगर झाइयाँ भी हो गई हैं तो भी इसको दूर करता है, रिंकल्स की प्रॉब्लम को भी ख़त्म करता है और पिम्पल्स तो एकदम भूल ही जाइए, पिम्पल्स दोबारा नहीं आएंगे। तो उसके लिए पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा फ्रेंड्स, कोई स्टेप्स बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। बहुत ही ज़्यादा पावरफुल ये होम रेमेडी है। तो चलिए आप लोगों को बताते हैं कि इसको बनाना कैसे है। तो आप देख सकते हैं मैंने लिया हुआ है करेला। जी हाँ फ्रेंड्स, करेले की ये होम रेमेडी आप लोगों को बताने वाली हूँ। इससे पहले मैंने आप लोगों के साथ ये शीट मास्क वाला वीडियो शेयर किया हुआ था, वो भी बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है, बहुत ही इंस्टेंटली आपके स्किन को ग्लोइंग बनाता है और साथ ही साथ स्किन के दाग धब्बों को भी दूर करता है। तो हमें लेना है करेले का जूस तैयार करना है फ्रेंड्स, बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है करेला हमारे स्किन के लिए। इसको जब आप एक बार लगाएगा ना तो इसके बेनिफिट्स आपको पता चलेंगे, फिर आप बार बार लगाना चाहेंगे। करेला में ऐसे बहुत ही ज़्यादा पोषक तत्व पाए जाते हैं, विटामिन्स पाए जाता है, एंटीऑक्सीडेंट्स गुण पाए जाते हैं, जो सेहत के लिए तो अच्छा होते ही है लेकिन कड़वे भी उतने ही होते हैं और फ़ायदा भी उतने ही करते हैं, उससे ज़्यादा ही करते हैं शायद। और एक बार अगर आप इस रेमेडी को अगर लगा लें तो आप बार बार लगाएंगे, सिर्फ पिम्पल्स ही नहीं, पिम्पल्स के अलावा भी कोई स्किन प्रॉब्लम्स हो उनको भी ये दूर करता है ये रेमेडी जो आज मैं बताने वाली हूँ। मैंने खुद ये फील किया है और इतना ज़्यादा फेस पे मेरे ग्लो आया कि बस लोग पूछते ही रह गए कि मैंने क्या लगाया सच में। तो हमें लेना है करेले का जूस। तो जितना क्वांटिटी में आपको ये रेमेडी बनानी है उसी के आधार पर लेना है करेले का जूस। उससे पहले ले लेते हैं मुल्तानी मिट्टी। मुल्तानी मिट्टी बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है हमारे स्किन के लिए, फाइली स्किन के लिए और भी ज़्यादा अच्छा होता है और डेड सेल्स को भी हटाता है ये, और एक्स्ट्रा जो वाइल होते हैं स्किन से उसको सोखता है और नेचुरल ग्लो लाता है, पिंपल्स को भी बहुत ही अच्छे से ये ख़त्म करता है और स्किन को टाइट रखता है, जवा खूबसूरत बनाता है और स्मूथ भी बनाता है, ग्लोइंग बनाता है। बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट्स हैं मुल्तानी मिट्टी के और स्पेशली गर्मियों में तो यूज़ करना ही चाहिए। तो एक बड़ा चम्मच हमें लेना है मुल्तानी मिट्टी पाउडर, और एक चम्मच आप मुल्तानी मिट्टी ले तो तीन चम्मच के आसपास आपको लगेंगे करेले का जूस, इसमें आपको डालना है तीन चम्मच के आसपास। उसके बाद इसमें हमें ऐड करना है हनी। जी हाँ फ्रेंड्स, हनी आप कोई भी ले सकते हैं जो आपके पास हो, हनी बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है स्पेशली पिंपल्स के लिए और स्किन के जो प्रॉब्लम्स होते हैं उनको भी दूर करता है, बहुत ही ज़्यादा ग्लोइंग और चमकदार बनाता है। मैंने एक चम्मच लिया, आप आधा चम्मच भी ले सकते हैं। उसके बाद इसमें हमें ऐड करना है एलोवेरा जेल, आप चाहे तो फ्रेश एलोवेरा जेल ले सकते हैं, मैं ले रही हूँ पतंजलि का एलोवेरा जेल। ये तो बताने की ज़रूरत नहीं फ्रेंड्स, एलोवेरा कितना ज़्यादा अच्छा होता है हमारे स्किन के लिए, मैं तो बताते ही रहती हूँ आप लोगों को। तो आधा चम्मच या उसे थोड़ा सा कम आप ले सकते हैं एलोवेरा जेल। उसके बाद इसमें हमें ऐड करना है नींबू। फ्रेंड्स, नींबू आप लोगों के स्किन को सूट करता है तभी आपको लेना है, नहीं तो आप स्किप कर सकते हैं। तो लगभग 5-7 बूंद ही मैं लूँगी नींबू, ज़्यादा नहीं, लेकिन बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है नींबू हमारे स्किन के लिए। स्किन को ब्राइटनिंग बनाने के साथ साथ वाइटनिंग बनाता है और ग्लोइंग भी बनाता है। नींबू में बहुत ज़्यादा मात्रा में विटामिन सी पाया जाता है जो स्किन के लिए और भी ज़्यादा अच्छा होता है। तो इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे, थोड़ा सा टाइम लग जाता है इसको मिक्स करने के लिए, लेकिन देखेंगे बाद में कि बहुत ही अच्छा सा एक स्मूथ सा पेस्ट बन के रेडी हो गया और बिल्कुल भी नहीं लगेगा कि आपने घर में ये रेमेडी तैयार की है, ऐसा लगेगा कि आप कोई फेस पैक वगैरह जो बाहर से ख़रीदा हुआ होता है बिल्कुल वैसा दिखने लगता है। स्मूथ सा पेस्ट बन के हो चुका हमारा तैयार। अब इसको लगाने से पहले अपने स्किन को अच्छे से वॉश कर लेना है, सुखा लेना है, उसके बाद इस रेमेडी को इस तरह से अप्लाई करना है। फ्रेंड्स, जब भी कोई आप ऐसा पैक लगाते हैं तो अपर साइड लगाना है, चेहरे को ऊपर की ओर ब्रश को करते हुए इस तरह से, आप चाहें तो फिंगर से भी लगा सकते हैं।
तो डबल लेयर लगाऊंगी मैं। पहले मैं हल्का पतला लेयर लगा ले रही हूँ, ऊपर से एक लेयर और चढ़ाऊंगी और इसको 15 से 20 मिनट के लिए अपने स्किन पे रखना है या जब तक ये सूख जाता है उतनी देर आप रख सकते हैं। उसके बाद नॉर्मल पानी से धो लेना है या फिर आप चाहें तो वाइपर से गीले टॉवल से भी आप पोंछ सकते हैं। उसके बाद आप नॉर्मल पानी से धो सकते हैं अपने स्किन को। और फ्रेंड्स उतने में ही आप चौंक जाएंगे कि चेहरा इतना ज़्यादा ग्लो कैसे करने लगा केवल एक बार में ही, और पिंपल्स तो जैसे ख़त्म ही हो जाएंगे और पिंपल्स के दाग धब्बे भी ख़त्म होने लगेंगे। लेकिन इस रेमेडी को आपको हफ्ते में 3 दिन लगाना है, कम से कम 3 दिन ज़रूर लगाना है तो पिंपल्स के दाग धब्बे भी ख़त्म होने लगेंगे और पिंपल्स तो एकदम भूल ही जाइए। तो आप भी इस रेमेडी को ज़रूर ट्राई कीजिए और हमारे साथ अपना फीडबैक भी शेयर कीजिएगा हमें कमेंट करके। अगर हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा विद बेल आइकन, क्योंकि ऐसे ही हेल्पफुल वीडियोस मैं आप लोग के लिए लाती रहती हूँ। और हाँ फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक ज़रूर कीजिए, आपका एक लाइक काफ़ी ज़्यादा मोटिवेट करता है मुझे। साथ ही साथ अपने फैमिली फ्रेंड्स को भी शेयर कीजिएगा, ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है, बहुत ही ज़्यादा पावरफुल ये है। तो देख सकते हैं कितना ज़्यादा फेस ग्लो कर रहा है और मैंने गीले टॉवल से पोंछ लिया और लाइव आप लोगों को दिखाती हूँ कि कितना ज़्यादा वर्क करता है ये रेमेडी। तो आप भी एक बार इस रेमेडी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और जैसा कि मैंने बताया अपना फीडबैक हमारे साथ शेयर कीजिए, तभी मुझे पता चलेगा कि आपके स्किन पे किस तरह से वर्क किया है। मेरे स्किन पे तो बहुत ज़्यादा वर्क किया है और स्किन कितना ज़्यादा ग्लोइंग और चमकदार दिख रहा है वो तो आप लोग देख ही पा रहे होंगे। बहुत ही ज़्यादा स्किन जो है ग्लोइंग होने लगता है और स्किन के दाग धब्बे भी आपके दूर होंगे। तो पिंपल्स नहीं भी हो तब भी आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिए, इस होम रेमेडी को, और अपने स्किन प्रॉब्लम से छुटकारा पा सकते हैं। एंटी एजिंग का भी काम करता है ये, तो आपके स्किन को बहुत ही ज़्यादा यंग बनाता है, खूबसूरत और जमा बनाता है, जिससे आप अपने उम्र से काफ़ी हद तक कम दिखेंगे। या फ्रेंड्स, तो ये था हमारा आज का वीडियो, आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक भी कर दीजिए, बाय।